हेलो किड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूज क्लास। आज हम क्लास वन की इंग्लिश की टेस्ट लेंगे। लेट सी योर प्रोग्रेस। तो सबसे पहले टेस्ट के कंटेंट्स देख लेते हैं। हम टेस्ट में आज क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट, टाइप ऑफ नाउन्स। सेकंड, रीराइट द सेंटेंसेस। थर्ड, वॉवल्स एंड फोर्थ, कॉन्सोनेंट्स। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन्स। यहाँ पे आपको कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है ये बताना है। तो कॉमन नाउन तो मालूम है सबको, जो कॉमन होता है, जैसे बॉय हुआ, गर्ल हुआ, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, मतलब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन जनरल, नॉट स्पेसिफिक। और जब मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम लेके बोल रही हूँ, जैसे राहुल, बॉय का नाम राहुल बोल रही हूँ, तब वो प्रॉपर होता है। हॉस्पिटल, जैसे MGM हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल का नाम बोला मैंने, वैसे ही जब मैं स्पेसिफाई करती हूँ किसी चीज़ को, बॉय को, गर्ल को, तब वहाँ पे होता है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो चलो देखते हैं हम। वेडनेसडे। वेडनेसडे कौन सा नाउन है? ये है प्रॉपर नाउन। उनका ही रूल है, जो डेज ऑफ द वीक है और जो मंथ ऑफ द ईयर है, ये हमेशा प्रॉपर नाउन ही होते हैं। नेक्स्ट, बॉय। बॉय क्या है? कॉमन नाउन। हम यहाँ पे कोई बॉय का नाम नहीं ले रहे। गोवा। गोवा इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ये कैपिटल लेटर में भी है, तो क्या है? गोवा इज अ प्रॉपर नाउन। पिज्ज़ा। पिज्ज़ा क्या होगा? पिज्ज़ा, मैं तो पैन पिज़्ज़ा या चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा ऐसा नहीं बोल रही, मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा कहा, तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन। नेक्स्ट, बर्ड। बर्ड कॉमन नाउन, कोई पर्टिकुलर बर्ड नहीं कह रहे हम। किंग। किंग क्या होगा? ये भी कॉमन नाउन, किंग का नाम नहीं लिया। डे। डे इज अगेन कॉमन नाउन, डे का नाम तो नहीं है यहाँ पे। तो ये तो हो गया नाउन, इसकी कंसेप्ट क्लियर हो गई। लेट अस मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है री राइट द सेंटेंसेस इन अ करेक्ट वे। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जो कि गलत तरीके से लिखे हुए हैं, किसी में कैपिटल लेटर नहीं है, किसी में फुल स्टॉप नहीं है, तो आपको उसको कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप लगा करके सही लिखना है। फर्स्ट, शी इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे क्या रॉन्ग है? यस, यहाँ पे देखो, शी स्टार्ट हो रहा है, एस कैपिटल में नहीं है, तो इसको हम कैपिटल में करके शी इज गोइंग टू स्कूल लिखेंगे। सेकेंड, आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पे क्या मिस्टेक है? यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, तो इसको हम रीराइट करेंगे और एक फुल स्टॉप लिखेंगे। नेक्स्ट, ही इज प्लेइंग चेस। इसमें क्या है? हैच। जो हैच है वो कैपिटल में नहीं है क्योंकि वो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है। जो भी वर्ड सेंटेंस को स्टार्ट करता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, और यहाँ पे चेस के बाद फुल स्टॉप भी नहीं है, तो यहाँ पे दो गलतियाँ हैं, तो इसको ऐसे सुधार करके लिखना है हमको। नेक्स्ट, सैम एंड अंजलि आर गुड प्लेयर्स। यहाँ पे देखो, सैम तो ठीक है, किसी का नाम है तो कैपिटल लेटर में, बट अंजलि में कैपिटल लेटर नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमको कैपिटल लेटर करना होगा। बाकी सब इस सेंटेंस में सही है, सैम एंड अंजलि आर गुड प्लेयर्स। नेक्स्ट है हमारा, मीरा इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? यहाँ पे क्लास जो लिखा हुआ है उसको कैपिटल में लिखा है, जबकि क्लास तो प्रॉपर नाउन नहीं है, तो उसको कैपिटल में नहीं लिखना चाहिए, तो हमें क्लास को स्मॉल में लिखना है। मीरा इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, देन फुल स्टॉप। तो यहाँ तक के जिन बच्चों ने सही किया है वो जीनियस है। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, सर्कल द वॉवल्स। अब वॉवल्स सबको पता है, वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी सब कंसोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको वॉवल को आइडेंटिफाई करके सर्कल करना है। फर्स्ट लाइन में देखते हैं, बी, सी, एन, ए, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ए है वॉवल। नेक्स्ट, जी एच आई, यहाँ पे आई है।
ओ जे के यू, इसमें कौन सा है वावल? ओ। नेक्स्ट है हमारा एम ई एन एस, यहाँ पे कौन सा वावल है? ई। तो हो गया आइडेंटिफाई वावल ए ई आई ओ यू, यहाँ तक हमने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये कभी नहीं भूलना है ना, नेम ऑफ द वावल। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, राइट द नेम दैट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट की आइडेंटिफिकेशन है या नहीं ये पता करना, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं, नंबर वन, फर्स्ट में बी दिया हुआ है, जो लेटर है वो बी है, और तीन पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर क्या है? हॉर्स है। सेकंड किसका है? बर्ड है। और थर्ड है ट्री। इसमें से बी से कौन सा नाम आ रहा है? बी से होगा बर्ड, बी आई आर डी, बर्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट एफ, है ना? यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये गर्ल है, नेक्स्ट है कैट, और थर्ड है फिश। तो एफ का साउंड क्या है? फ, फ से एफ फॉर फिश, तो यहाँ पे आएगा फिश। थर्ड बी, बी से यहाँ पे भी तीन चीज़ें रखी हुई हैं, बैट, देन कप, देन एवोकाडो। तो बी से क्या आएगा? बेड आता है, ब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डी, बेड। नेक्स्ट डी, यहाँ पे भी तीन पिक्चर दिए हुए हैं। फर्स्ट में है, क्या है ये फर्स्ट वाला पिक्चर? पिक्चर आपको आइडेंटिफाई करना है, देखो आप कितना आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। अगर शुरू में नहीं कर पा रहे हैं तो दो तीन बार ट्राई करें, हो जाएगा। यहाँ पे बर्ड में फर्स्ट है डक है, देन चिक है, और यहाँ बैट है, और दिया हुआ है क्वेश्चन में डी, तो डी से क्या होगा? डक। नेक्स्ट एफ, फिर से एफ आया, यहाँ पे पिग, पिग की पिक्चर है, एफ से तो नहीं होगा पिग। देन काउ, देन फ्रॉग, तो एफ का साउंड क्या है? एफ फॉर फ्रॉग। नेक्स्ट पी, अब पी से क्या होगा? यहाँ पे एक पिक्चर है मंकी की, नेक्स्ट क्या है? ये ऑमलेट जिसमें बन रहा है, क्या कहते हैं इसे? पैन। एंड नेक्स्ट सन, तो पी प पैन। तो इस तरह के वर्कशीट आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाए और इंग्लिश में बहुत अच्छे से आप प्रोनाउंस कर सको और आइडेंटिफाई भी कर सको। तो यहाँ तक जिन बच्चों ने किया है बहुत अच्छे से परफॉर्म, वो आज के विनर हैं। होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के वर्कशीट बहुत प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो हमारे प्लेलिस्ट में जो वीडियो है उसे ज़रूर चेक करें, हमारे शॉर्ट्स भी ज़रूर चेक करें। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक एक टॉपिक के वीडियोस हमने शॉर्ट्स में बना के रखे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।